फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकल ओशियन में। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग फ्रॉम जस्ट हर ब्रांड तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू जस्ट हर के लिए। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के रिव्यू मिलेंगे। तो जस्ट हर भी इंडियन ब्रांड है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं ट्राई करती हूँ। मैंने इसको, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने इसको अपनी हार्ड मनी से खरीदा है और खरीद के मैंने इसको यूज़ किया है एज अ कस्टमर, और उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू बता रही हूँ। और मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि एक एक प्रोडक्ट की डिटेल, कि एक एक प्रोडक्ट ने कैसा वर्क किया फॉर माय स्किन, और आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको ये कितने का मिलेगा, और इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू परचेज फ्रॉम द वेबसाइट तो आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। चलिए अब अपना रिव्यू शुरू करते हैं। पहले गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। ये जो टी जोन है मेरा, ये ऑयली रहता है, और बाकी के लिए जो चीक एरिया है ये ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने जो किट ऑर्डर किया था वो ऑयली स्किन के लिए किया था, मिनी किट है ये। तो गाइस, ये जस्ट हर्ब के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कुछ इस टाइप के बैग में आते हैं, विच इज इको फ्रेंडली बैग। गाइस, इसमें मुझे मिलते हैं 7 प्रोडक्ट, जिसमें से 3 ऐसे टब में आते हैं और 3 आएंगे ऐसे बॉटल में, और एक आता है, दिस इज अ फेस मिस्ट, इट्स अ रोज वाटर। इसके अलावा उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दिया है, और उसके लिए भी वो ऑप्शन देते हैं आपको। वो 3 चीज़ों का ऑप्शन पूछेंगे उसमें से आपको क्या चाहिए। तो मैंने इसमें इंस्टाग्लो का फेस पैक सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ये भेजा है। तो अगर बात कर ले पैकिंग की, तो इट ऑल कम्स इन अ प्लास्टिक। स्टिल उन लोगों ने कोशिश की है कम से कम प्लास्टिक यूज करने की, क्योंकि जैसे ये बॉटल्स आप देख रहे हैं, इनकी जो कैप है, दीज आर नॉट ऑफ प्लास्टिक। और जो रोज मिस्ट है, जो फेस मिस्ट है, दिस इज ऑफ ग्लास। सी दिस क्यूट बॉटल, बहुत ही क्यूट बॉटल है ये, और ये आराम से आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ओपन हो जाती है। इट्स अ वेरी स्मॉल क्यूट लिटिल मिनी स्प्रे बॉटल। तो गाइज, अगर फेस वॉश की बात करें तो ये, इसका फेस वॉश का नाम है सिल्क स्प्लैश, कुछ इस टाइप का आता है ये। जेल फॉर्म में रहता है ये, बट वन थिंग, इस फेस वॉश को मैंने यूज किया तो मे बी बिकॉज आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, ये थोड़ा सा ड्राई कर देता है। लेदर बहुत अच्छे से करता है, ये बहुत अच्छे से फोम बनाएगा, तो बट मुझे ये इसकी एक कमी लगी कि ये ड्राई कर देता है। जैसे मेरे टी जोन तो बहुत अच्छे से इसने वर्क किया उसके ऊपर, बट जो मेरा ये चीक एरिया है जो ड्राई रहता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था। मतलब फेस वॉश करने के बाद मुझे तुरंत कुछ मॉइस्चराइजर लगाने की नीड पड़ रही थी, ये उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो यस, इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन तो आई डोंट थिंक कि आप ये ले सकते हैं या आपको ये लेना चाहिए, बट इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन तब आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। गाइज, अच्छे अच्छे आपको इन्ग्रीडियंट्स मिल जाएंगे इस फेस वॉश में, जैसे इसमें आपको नीम, एलोवेरा मिल जाएगा, चंदन मिल जाएगा, हनी, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट भी इन्हें डाला है, ऑरेंज पील डाला है, तो काफ़ी ज़्यादा हर्बल है, बट इट इज ओनली फॉर ऑयली स्किन पीपल। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप अवॉइड ही करिए, और ड्राई तो बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि ये ड्राई कर देगा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देगा। सो गाइज, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लाइवली क्लीन हनी एक्सफोलिएटिंग फेस क्लिनजिंग जेल। बेसिकली इट्स अ फेस स्क्रब एंड इट इज फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। ये स्क्रब भी मुझे अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा आपके फेस को, बिल्कुल भी इसने ड्राई नहीं किया, बहुत जेंटली इसने एक्सफोलिएट कर दिया था मेरे फेस को, और फेस मेरा काफ़ी ज़्यादा स्मूदन अप हो गया था इसके बाद। तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। गाइज, अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं नीम, तुलसी एक्सट्रैक्ट और अर्जुना एंड बाग एंड बिटर ऑरेंज पील, हरिद्रा हनी एंड कोल्ड प्रेस जुजोबा सीड मिल्क। ये सब काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छोटा लिखा है, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं, तो ये भी काफ़ी हर्बल है, आप इसको भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। मुझे इसका एक्सफोलिएटर भी बहुत अच्छा लगा। सनस्क्रीन ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इट्स अ हर्बल सनस्क्रीन, क्योंकि जो बाकी के रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड रहते हैं, तो आप इस सनस्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा लगा है। गाइस, ये सनस्क्रीन स्टिकी नहीं है, जैसे बाकी के सनस्क्रीन हम जब लगाते हैं
तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत थिक लेयर लगा दी है। लेयरिंग ये भी करता है बट उतना ज़्यादा थिक नहीं। और इसकी फ्रेग्रेंस भी अगर मैं बताऊँ फ्रेंड्स, तो पॉन्ड्स जैसी, मुझे तो पॉन्ड्स पाउडर जो यूज होता था पहले, उसके जैसी काफ़ी स्मेल आ रही है इसकी। बहुत अच्छी स्मेल है। अगर मैं इसकी क्रीम्स की बात करूँ तो इट्स अ फेयर क्रीम एंड इट्स अ नाइट क्रीम। ओके, तो ये नाइट क्रीम है और ये आती है कुछ इस कलर की, जेल फॉर्म में है, काफ़ी हर्बल्स की स्मेल है और इसमें आपको गुडनेस मिल जाती है, मुलेठी की, खस की, और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, मंजिष्ठा मिल जाएगा और वीट जर्म एंड कोल्ड प्रेस जिजोबा सीड ऑयल, काफ़ी हर्बल चीज़ें इन्होंने यूज़ करी है क्रीम में। तो मुझे ये नाइट क्रीम भी अच्छी लगी, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। डे क्रीम में गाइस, दिस इज़ अ फजल जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये कुछ इस टाइप में आती है, येलोइश कलर की है और इसकी भी काफ़ी अच्छी हर्बल सी स्मेल है, स्वीट सी स्मेल है। और इसमें भी इन्होंने यूज़ किया है मैडर रूट एंड होली बेसिल, इसके अलावा इन्होंने क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया है इसमें, इसमें टर्मरिक है और हनी, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। गाइस मुझे ये डे क्रीम इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके फेस को स्टिकी नहीं बनाएगी, काफ़ी अच्छे से ब्राइटन अप कर देगी। फेस मिस्ट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तो मैं इसकी बॉटल की फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ रीयूजेबल और मैं इसको कहीं भी, अगर मैं इस नॉट दिस वन, मैं कोई और भी रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें पोर अप कर सकती हूँ उसको, और मैं कभी भी इसको कहीं पे भी ले जा सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की बॉटल में आता है एंड देख रहे हैं कितने अच्छे से स्प्रे कर देता है। तो अगर इसको फेस पर भी स्प्रे करते हैं तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा आपके फेस, बहुत अच्छे से स्प्लैश कर देता है एंड फ्रेग्रेंस तो आपको बिल्कुल फ्रेश रोजेस की फ्रेग्रेंस आने वाली है, ओरिजिनल रोजेस की स्मेल आती है इसमें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा रोज वाटर। मुझे जो इस पूरी होल रेंज में, स्किन केयर रेंज में जो शो स्टॉपर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट है पर्टिकुलर, मुझे इस पूरी रेंज में ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड दिस इज इंस्टा ग्लो आमंड कॉम्प्लेक्शन फेस पैक। गाइज इसकी जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस पूरी रेंज में कोई एक सामान लेना है या कोई एक प्रोडक्ट लेना है आपको, तो आप डेफिनेटली गो विद दिस फेस पैक। इफ़ यू आर अ वुड बी ब्राइड, आपकी शादी होने वाली है, तब तो ये आपके लिए मस्ट बाय प्रोडक्ट है डियर, क्योंकि ये इंस्टेंटली ग्लो ला देगा आपके फेस पे। मतलब मैंने इसके सारे प्रोडक्ट्स जब यूज़ किए, एक के बाद एक मैं यूज़ कर रही थी, मैंने फेस वॉश यूज़ किया, ओके फेस वॉश ठीक था और स्क्रब वॉज ऑल्सो ओके, बट वेन आई यूज दिस फेस पैक इट इंस्टेंटली ब्राइटन अप माई फेस। मेरे फेस पे ऐसा लग रहा था जैसे इट पॉलिश्ड माई फेस। तो मुझे ये फेस पैक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस पूरी रेंज में अगर आप कुछ एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फेस पैक को बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको गुडनेस मिलेगी आमंड्स की, ये कुछ इस टाइप का आता है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छी स्वीट सी आमंड स्मेल भी आएगी आपको इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपके फेस पे इसने लेयरिंग कर दी है या ये आपके फेस को ड्राई तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये फेस पैक आप लगाएंगे अपने फेस पे तो आपका फेस इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं बार बार इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, बट येस दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं शायद बार बार बोल रही हूँ। तो दिस वॉज द रिव्यू गाइज, और इस रिव्यू के बाद अब बात करते हैं कि आप इसको परचेज कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका, कि आप इसको इसकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। बट एक टिप और दूंगी गाइस, कि अगर आप जस्ट हर्ब के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं उनकी वेबसाइट से, तो प्लीज़ एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि जब ऑर्डर नंबर आता है, मतलब जब हम ऑर्डर प्लेस हमने कर दिया, उसके बाद 10 या 15 सेकेंड्स के लिए जो है ऑर्डर नंबर फ्लैश होता है, आप इंस्टेंट उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि गाइस इस ब्रांड की कस्टमर केयर सर्विस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका कि जो सैम्पल पीसेस लेकर के हम लोग कम में, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं गाइस, तो कोई भी कस्टमर है, मैं हूँ या आप हैं, हम लोग लेने से पहले एक सेकेंड थॉट आता है यार कि इतना महंगा प्रोडक्ट हमने ले लिया, ये अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने
मिनिएचर्स निकाल दिए हैं कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है या आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं. वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट्स, बट द कस्टमर केयर सर्विस वॉज पथेटिक. मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी. मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था इनकी वेबसाइट पे और उसके बाद ना तो मेरे पास कोई मेल आई ऑर्डर कन्फर्मेशन की, ना तो कोई टेक्स्ट मैसेज आया, कुछ भी मेरे पास ऐसा कन्फर्मेशन का मैसेज नहीं आया था. तो आई वॉज लिटिल वरीड कि क्या हुआ है ऐसा. तो मुझे लगा शायद मैंने शाम को ऑर्डर प्लेस किया है, दैट्स व्हाई ऐसा कुछ हुआ हो. तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मैं फिर उनकी वेबसाइट पे गई, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जहाँ पे मैं अपना ऑर्डर नंबर देख सकती हूँ या मैं उसको ट्रैक कर सकती हूँ कि क्या स्टेटस है मेरे ऑर्डर का. तो देन आई वॉज लिटिल वरीड. फिर वहाँ पे मैंने एक नंबर देखा फॉर व्हाट्सएप कि आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है. तो मैंने उस पर भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रीट किया. बट वेन आई रेज माई कंसर्न, मैंने जैसे ही उनसे पूछा कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है एंड आई वॉन्ट टू ट्रैक माई ऑर्डर, आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं. थोड़ी देर वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं. नेक्स्ट डे तक वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं. देन अगेन आई मैसेज देम, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं. तब फिर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने लगी थी मेरे लिए. देन आई अगेन गो टू द पोर्टल, मैं फिर से उनकी वेबसाइट पर गई और फिर मैंने उनका मेल एड्रेस लेकर के उनको डायरेक्टली मेल भी किया. बट उन्होंने मेल पे भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे. मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं. 2 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है. क्योंकि गाइस ऐसा नहीं है, मैं इस चैनल के लिए बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करती हूँ अलग अलग वेबसाइट से, मुझे कहीं पर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा जस्ट हर्ब की वेबसाइट पर मिला है. तो आप बिल्कुल इस चीज़ से अवेयर रहिएगा. आपका जैसे ही ऑर्डर नंबर आता है आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गॉड नोज और दे नोज कि आपका ऑर्डर नंबर आपको फिर कैसे मिलने वाला है. क्योंकि जब मैंने उनके जब मुझे कहीं से रिस्पांस नहीं मिला, देन आई गो टू द इंस्टाग्राम पेज, उनका जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर उन्होंने एक प्रोडक्ट का पोस्ट लगाया था. मैंने उसी कमेंट पे डायरेक्ट उनसे मैसेज पे ये चीज़ पूछी कि गाइस आई हैव टू ट्रैक माय ऑर्डर एंड प्लीज़ somebody let me know कि मैं कैसे अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकती हूँ. तब जा करके जो है मेरे पास मैसेज आया, प्लीज़ हमें डायरेक्ट मैसेज करिए अपना ऑर्डर नंबर. अगर मेरे पास वो ऑर्डर नंबर नहीं होता तो आई डोंट नो कि मैं कैसे दे पाती उनको वो. बट मैंने दे दिया उनको ऑर्डर नंबर. नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में उनका कॉल आया मेरे पास कि मैम आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, 2 से 3 दिन में आपके पास वो ऑर्डर पहुँच जाएगा. तो ऐसे ये पूरी जर्नी हुई. एंड इवन मैंने जब इनके पोस्ट पे कमेंट किया था तो एक दो लड़कियों ने और भी कमेंट करके ये प्रॉब्लम रेज करी थी कि द प्रोडक्ट्स आर ऑसम बट द कस्टमर केयर सर्विस इज रियली वेरी बैड. तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ गाइस कि कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, अगर आप उन्हीं को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो एक बार या दो बार आपके कितने भी अच्छे क्यों ना प्रोडक्ट्स हों फिर वो नहीं लेने वाले हैं. तो दिस इज़ अ रियली वेरी बिग कंसर्न, उनको इस पर वर्क करना चाहिए. आई होप वो लोग इस पर जल्दी वर्क कर लेंगे. और बाकी अगर प्रोडक्ट्स की बात करी जाए गाइस तो द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, यू कैन बाय देम. बट रिमेंबर, अगर खरीद रहे हैं ऑर्डर नंबर का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा. और गाइस अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. क्योंकि गाइस मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको रिव्यू मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के, इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के. और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी पता चलते रहेंगे नए नए ब्रांड्स जो भी आ रहे हैं या कौन से उनके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कैसे हैं, क्या उनमें क्वालिटीज़ हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं. तो ये सब जानने के लिए गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को. तक अपना ध्यान रखिए, प्रमोट करिए इंडियन ब्रांड्स को, यूज़ करिए इंडियन ब्रांड्स, क्योंकि हम सिर्फ इतनी सी चीज़ चेंज करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. तो ज़रूर इस्तेमाल करिए केवल इंडियन और इंडियन प्रोडक्ट्स. एंड तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर.